भारतीय वायुसेना ने आज अपने 84 साल पूरे किए। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। हिंडन एयरबेस पर परेड के साथ साथ वायुसेना ने आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। साथ ही ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की रेड एरोबेटिक टीम ने आसमान में अपना जलवा दिखाया। जानकारी के लिए बता दें कि वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख अरुपराह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परेड की शुरुआत में 12 पैरा जंपर्स ने 8000 फीट की ऊंचाई से ग्राउंड पर छलांग भी लगाई। सचिन तेंदुलकर, एयरफोर्स चीफ अरुपराह के अलावा आर्मी और नेवी चीफ भी मौजूद रहे। आई थिंक द आर्म फोर्सेस आर वेल प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन एनी सब कन्वेंशनल थ्रेट। वी हैव हैड वन और टू केसेस एंड अ डिटरमिंड टेररिस्ट कैन ऑलवेज गेट द बेटर ऑफ पीपल, बट aim is to prevent it, the deterrence. We should be able to detect any such intrusion, any such attack right in the beginning, and so that we can neutralize them before they can actually cause any damage to armed forces property, armed forces people, or our own people as such, the whole nation. So that way I think we are getting smarter and smarter. We are learning lessons every time something happens, and I think we are very well prepared now to face any such contingency. एयरफोर्स डे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को बधाई दी। साथ ही पीएम ने ट्वीट कर कहा कि एयरफोर्स डे पर जवानों और उनके परिवारों को सलाम। इस कार्यक्रम में पहली बार फ्लाई पास्ट में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भी शिरकत की। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।